हाय फ्रेंड, आज आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, हमारे पास टोयोटा इनोवा 2.5V कंप्लीट सर्विस और हमिंग साउंड के कंप्लेन के लिए आज हमारे पास आई है, जिसका हमने चारों व्हील खोलकर आप देख सकते हैं। इसका आगे का डिस्क हमने कटिंग कराया है, क्योंकि कस्टमर का कंप्लेन था कि जब वो ब्रेक मारते हैं तो ब्रेक पेडल वाइब्रेट करता है। इसकी वजह से हमने इसका डिस्क मशीनिंग कराया है। ये जब भी ब्रेक मारेंगे तो उसके वजह से इनका पेडल जो है वाइब्रेट नहीं करेगा। तो इसका आप देख सकते हैं, इसका हमने डिस्क कटिंग कराया है। ये राइट साइड का है आपका, वो लेफ्ट साइड का भी दिखा सकते हैं। ये देखिए, लेफ्ट साइड का भी यहाँ पर आया है, अभी फिटिंग करना बाकी है। आप देख सकते हैं, लेथ पे हमने इसे कटिंग करा के लाए हैं। और कस्टमर का एक और कंप्लेन था कि जब ये गाड़ी 80 के ऊपर भगाते हैं तो पीछे से हमिंग साउंड आता है सर। इसके लिए हमने इसका एक्सल बेयरिंग चेक किया है, तो इसका एक्सल बेयरिंग में प्ले था, जो हमने अभी लेथ मशीन से नया डाल कर लाया। आप देख सकते हैं, अभी इसका हम फिटिंग चालू करेंगे। ये देखिए जो है आपके सामने, अब इसे हम दिखाएंगे फिटिंग करके। आप देख सकते हैं, हमारे अंसारी जी इसे फिटिंग कर रहे हैं। हाँ, ये कस्टमर का कंप्लेन था। आप देख सकते हैं, हमने सिर्फ इसका एक्सल बेयरिंग चेंज किया है। इस ये गाड़ी के जो मालिक थे, वो किसी गैरेज में ये गाड़ी लेके गए थे, तो उन्होंने किसी कोई हम बोल नहीं सकते हैं, कोई गैरेज वाले थे, उन्होंने उसे डिफरेंशियल का कोटेशन दिया था कम से कम 15 से 20 हज़ार का। हमने सिर्फ इसमें एक्सल बेयरिंग चेंज किया है, क्योंकि इसमें एक्सल बेयरिंग का प्रॉब्लम है, डिफरेंशियल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक्सल बेयरिंग चेंज करने से जो कस्टमर का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाएगा। हाँ, आप देख सकते हैं, हमने सिर्फ एक्सल बेयरिंग चेंज किया है, डिफरेंशियल में कोई हमने काम नहीं किया है। देखिए, आप गाड़ी के नीचे देख सकते हैं, डिफरेंशियल फिट है गाड़ी के अंदर। देखिए फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा एक्सल प्रॉपर तरीके से बैठ चुका है। अब इस पे हमारे अंसारी जी फाइनल हाथ मार रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये हमारा एक्सल प्रॉपर तरीके से फिट हो चुका है। अब हम एक्सल निकालने के लिए, आप देख सकते हैं, पीछे ABS सेंसर आता है, जिसे हमने निकाला है। अंसारी जी, उस सेंसर को साफ करके लगाइए। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, कभी भी आप जब एक्सल निकालेंगे तो ABS सेंसर को खोल लीजिएगा, क्योंकि कभी क्या होता है, एक्सल बिठाते समय आपने हथौड़ी से एक्सल को मारा या कुछ किया, तो ये जो ABS सेंसर है वो डैमेज हो जाता है। तो आप खोल लेंगे तो आपको किसी भी डैमेज का, आप देख सकते हैं, हमने इसके लिए एक्सल खोलने से पहले इस सेंसर को खोल लिया था, ताकि आगे चल के हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और एक चीज़ है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये देखिए, एक्सल खोलने के लिए हमने एक ब्रेक लाइनर खोला था इसका, जो इसका ब्रेक लाइनर गया हुआ है। तो हमने कस्टमर से फ़ोन करके बात किया कि सर, आपका ब्रेक लाइनर 2 से 3 हज़ार किलोमीटर और चलने लायक है, अगर आपने अभी ये काम करने के लिए खोला है तो इसे चेंज कर लेंगे तो अच्छा है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपको लेबर चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, इसी काम में आपका ये लाइनर चेंज हो जाएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, चेंज कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं, पुराना लाइनर है और ये हमने नया लाइनर फिट किया गया है, आप देख सकते हैं। अब इसे हम गाड़ी में फिट करेंगे, आप देख सकते हैं, नया लाइनर है, इसे आप ब्रेक लाइनर कहते हैं, बहुत आदमी ब्रेक शू कहते हैं। आप देख सकते हैं, दोनों साइड का है, यहाँ पे प्रॉपर रखा गया है, ये नया है, ये जूना है। अब इसे हमारे अंसारी जी फिट करेंगे। हाय फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा एक्सल पूरी तरह से प्रॉपर फिट हो चुका है। ये ड्रम है, जो देख सकते हैं आप कितना कार्बन पकड़ा है, इसे हम प्रॉपर तरीके से पूरी तरह से साफ़ करेंगे। आप देख सकते हैं, साफ करने के लिए हम इसे प्रेशर का इस्तेमाल करेंगे। देख सकते हैं, देखिए, ड्रम को पूरी प्रॉपर तरीके से हम साफ कर रहे हैं।
वो साइड हो। आप देख सकते हैं इसे पानी के प्रेशर द्वारा साफ कर रहे हैं। ये साफ करने से क्या होता है, जब आप नया लाइनर डालेंगे तो उसमें किसी प्रकार कोई मिट्टी कोई कार्बन नहीं रहेगा। अंसारी जी अब इसको हवा मारिए। कार्बन को सुखा रहे हैं। अब हम इसमें नया लाइनर फिट करना चालू करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे अंसारी जी नया लाइनर फिट कर रहे हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, हमने अभी इस गाड़ी में रियर लाइनर ब्रेक लाइनर जिसे कहते हैं वो हमने न्यू चेंज कर दिया गया है प्रॉपर तरीके से। और इसके कारण के वजह से हमारे इसके ड्रम पे जो लाइन था, लाइन के वजह से हमने इसका ड्रम भी पॉलिश कर दिया गया है, जो आप हम आपको दिखाते हैं जिसे लेथ मशीन पे पॉलिश किया जाता है। इससे क्या होता है, लेथ मशीन पे ड्रम पॉलिश करने वजह से क्या है, आपका लाइनर का जो लाइफ है वो ज़्यादा रहेगा। इसके लिए कभी भी आप ब्रेक लाइनर चेंज करेंगे तो ब्रेक लाइनर या ब्रेक पेड चेंज करते हैं तो ड्रम और डिस्क को पॉलिश कर लीजिएगा लेथ पे। आपको हम दिखाते हैं इसका ब्रेक लाइन। अंसारी जी जरा इसका ड्रम लेके आइए। इसका ड्रम हमने लेथ मशीन पे कटिंग किया है, उसे हम आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ये इसका ड्रम है जो आप देख सकते हैं हमने लेथ मशीन पे कटिंग कराया है। इसका फिनिशिंग देख सकते हैं आप किस तरह का फिनिशिंग है। ये कॉलर के वजह से हमने कटिंग कराया था, इसमें कॉलर आ गया था। अब आप इसका फिनिशिंग देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा ये जो ब्रेक सर्विस का काम था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं आपको एक बार हम पूरी तरह से दिखा देते हैं। ये हमारे हेड मिस्त्री जी है। देखिए ये हमारा काम फाइनल हो चुका है। ये हम ब्रेक सेटिंग कर रहे हैं, ब्रेक सेटिंग करके फिर ड्रम लगा देंगे, हमारा गाड़ी रेडी हो जाएगा। अगर आपको हमारा चैनल और ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।